अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो एक तरीका खोजो, और अगर नहीं तो फिर तुम एक बहाना ढूंढ लोगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो मोटिवेटेड लाइन बोली है उसमें अगर आप तुम कुछ करना चाहते हो तो एक तरीका खोज सकते हैं, और नहीं करना चाहते हो तो तुम बहाना ढूंढ सकते हो। अब ये आपकी इच्छा है कि आपको तरीका ढूंढने हैं या बहाना ढूंढने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 25 GS के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से PDF अपलोड की जाएगी। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, PDF बिल्कुल डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सारी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल लाइन बाई लाइन सारी PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाता हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। चार ऑप्शन आपके सामने है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका अपकेंद्रीय बल। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी भरी घड़ी में जो आपकी ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के सूर्य की उत्पन्न ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा। तो अगर हम बात करें सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा, तो आपका जो एक्चुअल में सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, दाब, घनत्व, ताप या वेग। तो जल्दी से बता दीजिए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो किस कारण तैरते हैं, कम घनत्व के कारण। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है आपका कम घनत्व के कारण। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की मात्रा भी बदल दें तो ऐसी कौन सी यूनिट है या मात्रा है जो बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगी, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या भार। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका एक्चुअल में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका द्रव्यमान। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगर वस्तु की मात्रा बदल दें तो, सॉरी द्रव्यमान नहीं, घनत्व, घनत्व आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो घनत्व जो है वो आपका अपरिवर्तित रहेगा, क्या, घनत्व आपका अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संपन्न हो पाया है, जल में तैरना। तो जल्दी से बता दीजिए कि जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संपन्न हो पाया है। तो एक्चुअल में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तृतीय नियम। जी हाँ दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम के कारण क्या हो पाया है, संपन्न हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। जल्दी से बता दीजिए ऐसी कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है। तो आयतन जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, ये हमसे पूछा गया है, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति या समय। तो जल्दी से बता दो कि एंगस्ट्रॉम एक्चुअल में क्या मापता है। तो अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्ध्य को मापता है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य को। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधों को सीरोकाइट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीरोकाइट्स। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या किलोम। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है आपका फेफड़ा यानी कि लंग्स। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है।
कार्बन का कौन सा अपरूप जो है वो अधिक कठोर होता है? आप सभी लोग जानते हैं कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और क्लोराइड। और हीरा जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका बी और सी। जी हाँ दोस्तों, डायरिया और निमोनिया जो आपकी बीमारी है, वो दोनों की दोनों बीमारी जो हैं वो किससे संबंधित हैं, सॉरी बी और सी यानी कि टीबी और निमोनिया, तो ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, के उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था यानी कि किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है आपका हाइपरटेंशन। जी हाँ दोस्तों, हाइपरटेंशन होता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, मानसिक तनाव के कारण होता है उच्च रक्तचाप। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ, तो अगर हम बात करें मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ की, तो वो है आपका अमोनिया। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए। तो आपका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वाष्प उत्सर्जन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल जो है वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। प्रकाश संश्लेषी अंग, कौन सा अंग जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो वो है आपका पत्ती। पत्ती को हम प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से जानते हैं। पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके रंध्र। जी हाँ दोस्तों, रंध्र से गैस का आसान आदान प्रदान होता है, वो भी पौधे में, प्लांट्स में। फेफड़े का आकार कैसा होता है? बढ़िया क्वेश्चन, से जल्दी से बताइए। फेफड़े का आकार कैसा होता है, गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार? तो अगर आप फेफड़े के आकार के बारे में बात करें कि एक्चुअल में फेफड़े का आकार कैसा होता है, तो ये होता है आपका शंक्वाकार, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयन, संयोजन, और ये उपचयन दोबारा है, तो आप इसको ऑक्सीकरण कर लीजिए, ऑक्सीकरण या विस्थापन। तो जल्दी से बता दीजिए कि भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है वो उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है, और मैंने आपसे बोला है कि तीसरा ऑप्शन भी सेम है, आप उसको ऑक्सीकरण कर लीजिएगा, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो आपका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कॉपर। कॉपर धातु जो है वो तार के रूप में उपलब्ध है। कौन सी धातु? कॉपर धातु जो है वो तार के रूप में उपलब्ध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपर्पटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो भूपर्पटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है आपकी एजी। ध्यान रखना, स्वतंत्र अवस्था की बात हो रही है, तो एजी यानी कि सिल्वर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक अधातु है, अधातु की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो हाइड्रोजन जो है वो एक अधातु है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि ताम्र और टिन यानी कि सीसे और सॉरी तांबे और टिन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? तांबे और टिन के मिश्र धातु क्या कहा जाता है? तो तांबे और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चंस के कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। अधातु की बात हो रही है, अगर अधातु की बात करें तो अधातु है आपकी ब्रोमीन, और धातु की बात करें तो धातु है आपकी पारा। तो अभी तो अधातु की बात हो रही है, तो ब्रोमीन आपका बिल्कुल सही आंसर है।
और लास्ट क्वेश्चंस के सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो सीसा और टिन की मिश्र धातु जो है उसको हम सोल्डर के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि कोशिका का पावर हाउस मानव के किस अंग को कहा जाता है, तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।